कैंट पुलिस ने दो अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को बंटी मैरिज हाउस निकट ऑर्बिट कार एजेंसी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सोनू डोम पुत्र भोला डोम निवासी नगर पालिका के सामने स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद देवरिया, दूसरा महेश डोम उर्फ बादल पुत्र मुख्तार निवासी नगर पालिका के सामने स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का 6 मोबाइल मंगलसूत्र व लॉकेट बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि बीते कुछ दिनों में गोरखपुर शहर क्षेत्र में बाइक सवार दो लड़कों द्वारा राह चलते लोगों जो मोबाइल फोन पर बात कर रहे होते हैं या मोबाइल फोन को हाथ में लेकर सड़क पर चल रहे होते थे या सड़क पर चल रही महिलाओं से उनका हैंड बैग व गले में पहने हुए चैन लूट छीन कर भाग जाने की घटना लगातार कारित किया जा रहा था। इसी प्रकार दिनांक 9 जनवरी की सुबह 6:30 बजे रेलवे गोरखपुर में बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत महिला जो ऑटो से ड्यूटी पर जा रही थी, उसका हैंडबैग शास्त्री चौक थाना क्षेत्र कोतवाली में छीन लिया गया था, जिसमें महिला का 2 मोबाइल व रुपया आदि था। वह दिनांक 14 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे ग्राम कोनी की निवासिनी महिला जो अपने मां के साथ दवा इलाज कराने गोरखपुर आई थी से उसका मंगलसूत्र विश्वविद्यालय चौराहे के पास छीन लिए थे। वह 12 अप्रैल की रात 12 बजे असुरन के पास से एक व्यक्ति जो रेलवे में कार्यरत है उसका मोबाइल छीन लिए थे। वह दिनांक 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे डीएवी स्कूल कोतवाली के पीछे एक व्यक्ति से उसका मोबाइल छीन लिए थे। 11 अप्रैल को एक मोबाइल कोतवाली देवरिया में छीन लिए थे, जिसके संबंध में जनपद के थानों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तों ने पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हम दोनों मिलकर राह चलते लोगों से मोबाइल पर्स छीन लेते हैं और बाद में छीने हुए माल को राह चलते आदमियों राहगीरों को बेच देते हैं और बेचने से प्राप्त रुपयों को आपस में बांट लेते हैं, जिससे हम लोगों का जीवन यापन होता है। हम दोनों लोग मोटरसाइकिल चला लेते हैं और दोनों ही लोगों में से जिसे मौका मिलता है वही लूट लेता है और बरामद मोबाइल व मंगलसूत्र को बेचने जा रहे थे तभी आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। सीओ कैंट ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, बेतियाहता चौकी प्रभारी विशाल कुमार शुक्ला, कांस्टेबल दीपक यादव, शिवम तिवारी, आनंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, बेतियाता काफी अच्छा काम किए उस दिन, मतलब भी रिवार्ड नहीं मिला उनको, रिवार्ड तो मिलना चाहिए, रिवार्ड के लिए हम रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि बेतियाता वहाँ के अच्छे चल के दूर जाते हैं बेचारे। अरे रुक जाइए, पानी पी लीजिए। थाना कैंट पुलिस द्वारा दो साथी लुटेरे पकड़े गए हैं, सोनू डोम और महेश डोम, जो देवरिया के रहने वाले हैं, जो मोबाइल भी छिनैती करते थे और महिलाओं से चैन स्नैचिंग वगैरह भी छीनते थे। तो ये कैंट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं और लूट का एक चेन भी बरामद हुआ, जो अभी कैंट थाने से एक महिला से छीना गया था। ये इन दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो सोनू डोम है, ये देवरिया से गैंगस्टर भी इस पर हुआ था और लगभग 10 मुकदमे इस पर कुल पंजीकृत हैं। उसी तरह से महेश डोम है, उस पर 5 मुकदमे हैं, उसका भी आपराधिक इतिहास है, देवरिया से भी है और यहाँ शाहपुर कोतवाली थाने से भी मोबाइल लूट के मुकदमे हैं। तो दोनों को कैंट पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक न्यायालय में आज पेश करेगी, फिर न्यायालय के आदेशानुसार उसको भेजा जाएगा। पूछताछ में भी दो ही लोगों का इन्हीं का आया है और बाकी अन्य थानों और आसपास के जिलों से इनके बारे में और जानकारी कराई जा रही है। 6 मोबाइल बरामद हुए हैं जो इन्होंने लूटे थे
और एक चैन स्नैचिंग बरामद हुई है, एक मोटरसाइकिल है और एक मंगलसूत्र है लूट का। ये शहर में ही किराए पर कमरा लेकर रहते थे और घूम घूम कर ये सफाई वगैरह का काम करते थे, लेकिन मेन काम इनका लूट का ही था। सफाई ये लोगों को ये बताते थे कि सफाई का काम करते हैं, लेकिन ये मेनली मोबाइल लूट और महिलाओं से चैन स्नैचिंग वगैरह का ही काम करते थे। ये बहुत साथी लुटेरे हैं, इनका और आपराधिक इतिहास पता कराया जा रहा है।